महाराष्ट्र के पुणे शहर में 18वीं सीनियर नेशनल रोलबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 19 मई से 22 मई के मध्य किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ की महिला टीम ने अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया है। भिलाई शहर को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें एक नाम है खेलधानी। भिलाई शहर ने कई खेलों में एक से बढ़कर एक रत्नों को उत्पन्न किया है। ऐसा ही एक खेल है जिसे कहा जाता है रोल बॉल। इस खेल में खिलाड़ी अपने पैरों में स्केट्स के जूते पहनकर स्केटिंग करते हुए फील्ड पर बने हुए गोल पोस्ट में एक बड़ी सी गेंद को अपने हाथों से गोल करते हैं। यह खेल देखने में भी काफी रोमांचक नजर आता है। इस खेल के छत्तीसगढ़ प्रदेश की टीम में 50 राष्ट्रीय और 11 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। इसी रोल बॉल खेल की 18वीं सीनियर रोल बॉल नेशनल चैंपियनशिप महाराष्ट्र में 19 मई से 22 मई तक आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ की महिला टीम ने भी अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। छत्तीसगढ़ की महिला टीम की इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ रोलबॉल संघ के अध्यक्ष विजय बघेल ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ रोलबॉल संघ की सचिव एवं प्रशिक्षिका अर्चना कौर ने इस आयोजन की जानकारी देते हुए यह बताया कि छत्तीसगढ़ में रोलबॉल का एक भी मैदान मौजूद नहीं है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ की पुरुष और महिला टीम हर साल कड़ी मेहनत कर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही है और पदक भी हासिल कर रही है। हमारी टीम अभी 18वां नेशनल था पुणे में, महाराष्ट्र में। इस पर हमारी टीम सेकंड पोजीशन आई है और सिल्वर मेडल मिला है इनको। नेक्स्ट हमारा सितंबर में फिर नेशनल है श्रीनगर में। तो अब तो सारे बच्चे और मैं भी यही सोचूंगी कि हमको गोल्ड ही आए, पर गोल्ड तो हम लाने की पूरी मेहनत करेंगे। अभी भी हमारा 6 डे का कैंप लगा हुआ था। बच्चे मॉर्निंग में भी 4 आवर्स, इवनिंग में भी 4 आवर्स प्रैक्टिस किए। गोल्ड की पूरी प्रैक्टिस थी, लेकिन हार्ड लक ही बोलना चाहिए जो सिल्वर मिल गया। और सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे रोल बॉल का ग्राउंड नहीं है। हम लोग जैसे सब के पास जाते हैं कि हमको ग्राउंड की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे बच्चे इंडिया प्लेयर 11 है और 15-16 नेशनल प्लेयर है, और हमेशा मेडल लेके ही आते हैं और स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं। सीएम से सीएम तक भी हमने बात पहुंचाई है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है। बस सब यही आश्वासन देते हैं, मैडम बस 3 मंथ में 5 मंथ में आपका ग्राउंड बन के तैयार हो जाएगा, और स्पेस भी ले जाके दिखाते हैं कि ये स्पेस में आप लोग का ग्राउंड बनेगा, लेकिन आश्वासन से कुछ नहीं होता। यानी 2003 से हम लोग ये ग्राउंड का पूरा सामना कर रहे हैं कि ऐसी आप ग्राउंड ये सब देख सकते हैं, पूरे गड्ढे और व्हील्स बच्चों के देख सकते हैं, इसमें फंसते हैं बच्चे, गिरते हैं, और जो व्हील्स भी इनकी काफ़ी कॉस्टली होती है। 1 वीक में इनकी 5,000 की व्हील्स पूरी घस जाती है, क्या बच्चे खेलेंगे? निम्न वर्ग के तो खेल नहीं सकते। हम लोग सिल्वर लेकर आए। 6 डेज का हमारा कैंप था। हमने सुबह भी प्रैक्टिस की है, शाम को भी प्रैक्टिस की है, कोऑर्डिनेशन बनाया है, बहुत सारी मेहनत की है, बट हार्ड लक था तो सिल्वर आ गया, नहीं तो गोल्ड आ जाता। ग्राउंड जैसे मैम ने बोला कि 15-16 हमारे इंटरनेशनल है, 60-50 हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं, उसके बावजूद भी पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे एक भी ग्राउंड हमें अलॉट नहीं किया है। हमेशा बोलता है कि ग्राउंड देंगे 1 महीने में 6 महीने में बन जाएगा, बट फिर भी हम लोग इसी पर प्रैक्टिस करके मेडल लेकर आते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के भिलाई शहर में कई खेलों के प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय एकेडमी भी स्थापित है। छत्तीसगढ़ सरकार को रोल बॉल के खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द मैदान उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे इस खेल की बारीकियों को और बेहतर तरीके से सीखकर छत्तीसगढ़ की टीम अपना परचम और ऊंचाइयों तक लहरा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।